जी वंस अगेन वेलकम बैक सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा में खुश आमदीद। इट इज प्रेजेंटेड बाय पैंथर्स टायर्स पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन शाइन विद स्पार्क्स एंड ऑफ कोर्स ब्रॉट टू यू बाय जमीन डॉट कॉम। हर पता हमें पता है लेडीज एंड जेंटलमैन, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर इंग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर श्रीलंका। आई हैव गॉट माय डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन हेयर मोहतरम सलीम मलिक साहब, द लेजेंड सर, कैसे हैं आप? एंड ऑफ कोर्स अब्दुल रऊफ साहब, द लेजेंड हिमसेल्फ। क्या हाल चाल है जी? जी बिल्कुल ठीक। मैं दो लेजेंड्स के दरमियान घिरा हुआ अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। इट्स रियली नाइस, गुड टू नो दैट पीपल आर हेयर। सो सर, इससे पहले कि हम इंग्लैंड और श्रीलंका के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। जो कल हमने बात की थी वो बात सही साबित हो गई है। रात को जो एनालिसिस शुरू हुए हैं और मैंने बैठ के सारे एनालिसिस देखे, वो वही एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे थे। अब हम अगर मगर की सिचुएशन पे आ गए, अगर ऑस्ट्रेलिया दो मैचेस हार जाता है और अगर हम चारों मैचेस जीत जाते हैं, अगर ये टीम ऐसे कर लेती है, अगर वो टीम ऐसे कर लेती है, तो कहीं से हमारा चांस है सेमीफाइनल का, वरना अफगानिस्तान के मैच के बाद हम तकरीबन बुक हो चुके हैं। सर, अगर मगर कितनी देर चलेगा सहर भाई, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। सर, ये जब आप पीसीबी के चेयरमैन बनेंगे तो आप मुझे रख लीजिएगा और रऊफ भाई कोच होंगे बॉलिंग के एंड मैं, मुझे पता नहीं किस कैपेसिटी में रखेंगे, लेकिन सर बड़े लोगों ने खिदमत की है पाकिस्तान की, सर मैं भी कर लूँगा। सर मुझे भी कोई ओहदा दे दीजिएगा, ऐसा कोई ओहदा सर? ये ऐसे ही है कि ए ना होना लिया गल ना फिर मैं इनकार ही समझा, इनकार ही समझो ठीक है जी। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं बगैर उर्दू के काम करते हैं, पता उनका वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको साथ रखा हुआ है, किसी को एकेडमी में डाल लेते हैं, किसी को जूनियर टीम के साथ, यानी कि वो पैसे उनके लगे हुए हैं, बैठे हैं, काम शाम नहीं करना उन्होंने, आ जाते हैं दफ्तर चाय पानी पिए और घर चले गए। एक नहीं है, काफी सारे हैं असल में, ग्रुप है ना। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका राइट नाउ, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। पिच कंडीशन जरा मुझे बता दीजिए, श्रीलंका के लिए क्या ये मैच इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के लिए क्या मैच इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैच तो हर एक के लिए होता है, वर्ल्ड कप का ना भी हो तो जीतना जरूरी होता है, ऐड होता है आपके उसमें, मगर बात यह है कि इंग्लैंड के लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि इंग्लैंड का हम सोच रहे हैं कि शायद क्वालिफाई कर जाए। ओके। अगर वो सारे मैच, और वो टीम ऐसी है कि वो कर सकती है, उस उनमें एबिलिटी है, उनमें ऐसे प्लेयर नहीं है जो ये सोचे कि यार इनसे बड़ी हिट नहीं लगती, उनमें वो प्लेयर हैं जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और स्पेशली वो इंडिया में आके खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है स्ट्रगल वो भी कर रही है हमारी तरह जैसे हम कर रहे हैं, वो हमसे तो बहुत नीचे है, मगर उनके चार मैच हुए हैं और अभी मेरा ख्याल उनके पाँच मैच रहते हैं, तो उनके उनकी टीम ऐसी है कि वो पाँच मैच जीत सकती है, उनमें एबिलिटी है। और आज मेरे ख्याल आज उन्होंने एक चेंज भी किया है मोइन अली को, शायद यही सोचते हुए कि उनको समझ थोड़ी लेट आई है कि स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये बेंगलोर वो विकेट है जहां मेरे ख्याल उस दिन बता रहे थे शायद 700, पाकिस्तान के खिलाफ जो 700 मैच हुआ है तो बड़ा स्कोर। अच्छा, ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ फिगर्स मैं आपको बता दूं। चिमनवासी स्टेडियम के अंदर ये मैच हो रहा है, ये वही मैच, ये वही पिच है, ये वही ग्राउंड है जहां यू नो ये समझ लीजिए एक गेम में 672 रन स्कोर किए गए थे 95.3 ओवर्स के अंदर। ये 11 मरतबा टीम्स दोनों मिली हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड का जो रेशो है वो 6-5 है, बट लेकिन श्रीलंका ने लास्ट की जो चार मीटिंग्स हैं वो जीती हैं। साथ साथ इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो बटलर नीड्स 90 रन टू बिकम फिफ्थ इंग्लिशमैन टू अचीव 5000 रन इन ओडीआई एंड जो रूट्स नीड 70 फॉर 1000 एट द वर्ल्ड कप। सो बड़ा इंटरेस्टिंग जो मुकाबला है वो होने जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक सर, कि क्या आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों टीमों के चार मैचेस हैं, 2-2 पॉइंट्स हैं और जो भी टीम मैच जीतेगी उसके चार पॉइंट्स होंगे और डेफिनेट नंबर 6 पे वो आ जाएगी, नंबर 5 या 6 पे। हाँ। तो ये दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उन्हें इस टूर्नामेंट में रहना है। इंग्लैंड मेरा ख्याल है कि बड़ी स्ट्रांग टीम थी जब वो इस टूर्नामेंट में आए थे तो, और पूरी दुनिया उनको रेट कर रही थी कि ये बहुत कम अज़ कम जो फाइनल फोर है उनमें लाजमी जाएगी, मगर उस जिस तरह की इन्होंने टीम सिलेक्शन की और जिस तरह की इन्होंने डिसीजन लिए वो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन पिचेज हैं उन पर सूट नहीं करते। नंबर वन तो जो इनका मोइन अली थे मेन प्लेयर थे और सब कंटिनेंट पे हमेशा उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है,
उनको इन्होंने एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया और एक्सपीरियंस करते रहे। मेरा ख्याल है कि मोइन अली को इनको कैरी ऑन करना चाहिए था सारे मैचेस के लिए। नंबर टू, क्या मोइन अली आज खेल रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं? आज खेल रहे हैं तो इस पे। हाँ जी, नंबर टू इनका यह था कि इन्होंने वो अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीत कर पहले उनको बैटिंग दी और बाद में खुद बॉलिंग बैटिंग की और उसको उनको कास्ट करना पड़ा हैविली। आज देखेंगे विकेट कंडीशन भी डिफरेंट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों को सपोर्ट करेगी, मगर वो प्रेशर जो लास्ट मैच इन्होंने गलती की है वो दोहराई नहीं, आज इन्होंने पहले खुद बैटिंग की है। तो ये थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता सीख रहे हैं, और मगर इनके लिए पहले बैटिंग करके भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो श्रीलंकन ओपनर है वो भी इन फॉर्म है और जो उनके सबसे डेंजरस प्लेयर है कुशाल मेंडिस, वो किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे किसी भी सिनेरियो में वो मैच का नक्शा चेंज। अच्छा, एक हमारी टेलीफोन कॉल्स है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट एंड फिर उसके बाद बात करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शायर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का फजल है शायर भाई, मैं हमीद बात कर रहा हूँ वाकेंट से। जी हमीद, मोजज मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम अली साहब की बैटिंग है तो हम बहुत फैन हुआ कर रहे थे किसी दिनों में जब खेला करते थे आप तो। सर मेरा सलीम अली साहब से सवाल है कि ये जो हमारी टीम में कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है, हर गोल में हमारे पास कोई अच्छा स्पिनर रहा है, और अब्दुल कादिर साहब, मुश्ताक अहमद साहब, सत्यान साहब आए, फिर सईद अजमल साहब आए, तो अभी हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है, क्या ये हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का फेलियर है? चलिए आप फोन रखिए, हम बात करते हैं। जी सर। जी बिल्कुल मेरे भाई, फेलियर तो है, हम बार बार कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हम उन लड़कों को लेकर नहीं आते जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। रऊफ ने कई दफ़ा बताया कि एक बच्चे ने 200-250 स्कोर किया, मगर उसकी हमने उसकी नहीं बताया, और हमारे जो 90 वाला ज़ैनब अब्बास और भी बहुत सारे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। देखें जो आप बात कर रहे हैं ना, कादिर या बाकी जितने भी स्पिनर थे, उनके साथ आप मैच नहीं कर सकते, वो कभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं छोड़ते थे। इवन के जब उनकी फॉर्म अच्छी नहीं होती थी या परफॉर्म नहीं हो रहा होता था तो क्लब मैच जाके खेलते थे। हमारे यहाँ देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं। भाई क्या बहुत ग्लैमर आ गया क्रिकेट के अंदर, ये हुआ है सर? असल में T20 ने ना पैसा इतना आ गया इसमें कि कमर्शलाइज बहुत। लेकिन T20 तो इंडिया पे और इंडिया का T20 बहुत बड़ा है, एट द सेम टाइम इंडिया के पास अब जो प्लेयर्स आए हैं, द काइंड ऑफ प्लेयर्स इंडिया इज प्रोड्यूसिंग, वो बड़े कमाल है सर। वो पैसा अगर देते हैं तो उनको काम लेना भी आता है। उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के नीचे देखें ना, राहुल द्रविड़ जैसे बंदे ने उनको प्लेयर तैयार करके दिए हैं, हमारे यहाँ कौन तैयार करके देगा? चेयरमैन का भतीजा जो क्रिकेट नहीं खेला हुआ। अब उसमें और उसमें फर्क चेक कर लेना आप, कितना फर्क है। और फिर जैसे बार बार कहते हैं प्रोफेशनल, देखिए प्रोफेशनल लोग ही नहीं है। सिलेक्टर का भांजा, चेयरमैन का भतीजा, किसी का दामाद, वी कुड डू अ नेटफ्लिक्स सीरीज, किसी का दामाद और किसी का आप देखे ना साहर भाई, जब इस किस्म की चीजें होंगी तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करेगा? बिल्कुल सर। अच्छा इसमें सलीम भाई थोड़ी सी मैं ऐड करूंगा, ये जो सलीम भाई ने बात की बिल्कुल दुरुस्त है, जो आपने T20 जो क्रिकेट है ना उससे डैमेज पता है किसको किया ज्यादा? जिनका स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बोर्ड स्ट्रॉन्ग थे, वो बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ, जिस तरह इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, क्योंकि इनके जो स्टेट क्रिकेट थी या काउंटी क्रिकेट या जो भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट वो चलती रही एज इट इज, उससे छेड़खानी नहीं हुई। जितने बोर्ड कमजोर थे वो डैमेज हुए। आप देखें कि जिम्बाब्वे बाहर होगी वर्ल्ड कप में, नहीं है वेस्ट इंडीज बाहर होगी, पाकिस्तान किस पोजीशन में खड़ा है? पाकिस्तान के चेयरमैन पिछले 16 महीने में 4 चेयरमैन चेंज हुए हैं। म्यूजिकल चेयर का खेल है, सियासतदानों का इन्फ्लुएंस है, वो अपने अपने फेवरेट लोगों को ओबलाइज करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर होता है ना, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उसको मीडिया में सबसे ज्यादा जो फर्ज समझते हैं ना वो अपना, वो छेड़खानी करना पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ। तो वह बंदा अगर आ गया तो बंदे को कुछ करना भी तो है ना, मतलब कितना वेला बैठेगा। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? सर क्या हाल है? मोहम्मद परवेज बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। परवेज साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। सर जी मैं माजरा चाहता हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब किया है, मैं बहुत अरसे से चाह रहा था कि आप लोगों से किसी तरीके से रब्ता हो जाए। जी सर बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी टीम से कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं इन सब ने ग्रीन रंग के शूज पहने हुए हैं। ग्रीन रंग के शूज? हाँ जी, अगर ये ग्रीन रंग के शूज अपने पाँव से नीचे उतार दें तो बहुत अच्छा होगा, अल्लाह ताला कामयाबियां देगा। अच्छा
और ये बहुत बड़ी एक यानी बहुत बड़ी एक कायदे की बात है। किसी एक बार किसी मौलाना ने भी कहा था कि अगर ये लोग अपने पांव से अच्छा बहरहाल मुझे नहीं पता आपका इशारा किस तरफ है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे और अल्लाह ताला हमें हमेशा हिदायत में रखे। दुआएं हैं हम सब के लिए। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड जी सर, क्या कहना चाहते हैं आज इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका है। ओ भोले भाई आ गए, आ जाए। आज बनता था बोले बोल अच्छा, पे आज हंसने लगे बोले। हंस रहे, थैंक यू। मेकअप करवाया आज आपने? मेकअप करवाया है ना, ऊपर से लाइट्स वगैरह आती हैं इस वजह से। अच्छा, पाकिस्तान जा रहा सेमीफाइनल में? कुछ नहीं पता। अच्छा, दिल में क्या है? दिल में क्या है? जाना चाहिए, लेकिन दिमाग में क्या है? नहीं लग रहा। दिमाग में कुछ नहीं है। अच्छा बोले, तुम्हारी शादी हुई नहीं? एक ही है? एक बच्चे? दो बच्चे? वेरी नाइस। एक बीवी, दो बच्चे, कम बच्चे, खुशहाल घराना। शादी के बाद ही तो बोलेगा ये हाल हुआ। मैंने नहीं कहा ये। थैंक यू बोले, थैंक यू, वी लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भोले भाई ने हमको इंग्लैंड बताया है जी। भोले भाई की प्रेडिक्शन है इंग्लैंड। बोलने का भी पूछ लेते साथ। कल तो खैर, कल मैं बताऊंगा आपको। कल भोले ने टॉस देखने के बाद, इंग्लैंड ने टॉस खेल के बारी लेने की कोशिश की है, उसके बाद डिसाइड किया। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रिजवान बोल रहा हूं लाहौर से। कैसे हैं रिजवान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबको, आपके पैनल को, आपको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि टीम की जो सिलेक्शन हुई है, जो सिलेक्टर हैं, इसके हेड कोच है, और जो इनकी हालत हो रही है, ये इवन के बच्चा भी देख के कह रहे हैं कि कितना चेंजेस होती हैं, बॉलिंग चेंजेस और डिफेंसिव चेंजेस हैं। मेरा बेटा देख के कह रहा था कि बॉलिंग चेंज क्यों कर दिया, ये तो आउट कर रहा है। एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ, और ये शादाब खान और इमामुल हक की क्या परफॉर्मेंस है, इनको किस लिए और कितने किस टीम में डाला। और शादाब खान का मैं कहना चाहता हूँ कि इतना मैंने स्पिनर नहीं देखा अपनी जिंदगी में। पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही मुस्ताद, दूसरे जितने भी अजीम स्पिनर है, और ये इतने अच्छे स्पिनर है, किसी और को चांस नहीं। इसका क्या क्राइटेरिया है, क्यों इतने अच्छे से टीम पे पोस्ट बना हुआ, मेरा ये क्वेश्चन है आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान। लेट्स स्टार्ट विद यू। देखें, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही उनके कंसर्न है, और पूरे पाकिस्तान के यही कंसर्न है कि आप मेरिट पर सिलेक्शन क्यों नहीं करते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि ये क्यों खेल रहे हैं, मसला ये है कि जो इनकी वजह से जो छः बंदे आपने ज़ाया किए हैं, वो किसका फॉल्ट है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से उन लोगों का जवाब लेना है, असगर का जवाब लेना है, रजा हसन का लेना है, उस अली उस्मान का लेना है, जो उमर खान का लेना है। ये चार पांच यंगस्टर थे जिन्होंने टॉप क्लास परफॉर्म किया पाकिस्तान के डोमेस्टिक में, मगर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपनों को ओब्लाइज करने के लिए हमने उनको बिल्कुल उनका सफाया कर दिया। ना उनको किसी जगह पे चांस दिया, ना उनको ए टीम के साथ रखा, ना उनको डेवलप किया, ना एकेडमी में रखा। और फिर ये जो मैं बार बार ये क्यों बात करता हूँ कि जो लॉबी है, ग्रुपिंग है, इसने हमारे सिस्टम को तबाह किया, और जो हमारे एक्स लेजेंड्स हैं, सारे के सारे इस लॉबी का पार्ट हैं। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको जॉब देता है, वो ग्रुपिंग की शक्ल में एक दूसरे को साथ लेकर आते हैं, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका मुस्तकबिल तबाह करते हैं, और जो अपने इनके रिश्तेदार हैं और जो इनके दोस्त यार हैं उनको पाकिस्तान टीम में ओब्लाइज भी करते हैं। क्वेश्चन, डू यू थिंक कि हमारे पास कोई ढांचा है भी या नहीं है? बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग के ये लोग सब एक, वो तो जरूर हैं, साथ तो हैं, लेकिन हमारे पास कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई एक स्ट्रक्चर भी नहीं है ना। बिकॉज मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, एक फिल्म है, इट इज कॉल्ड मनी बॉल, ठीक है, जिसमें ब्रैड पिट ने एक और जो जोना हिल है उसने कैरेक्टर किया है कि वो बेसबॉल के स्काउट बने हुए, ठीक है, वो जाके डिफरेंट जगह बेसबॉल देखते हैं और उसके बाद लोगों को हायर करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे यहाँ ऐसी स्काउटिंग होती है? पहले इसका जवाब आप दोनों दीजिएगा। एक टेलीफोन कॉल लेती हूँ, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शमी बात कर रहा हूँ, शेखुपुरा से। मोहम्मद शमी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। साहब भाई, मैंने बात ये करनी थी कि
मैंने बात ये करनी थी कि हम देख रहे हैं कि बाबर आजम हमारा पहले नंबर पे है, हम इसी पे पूछे हैं, हमारी टीम पहले नंबर पे है, लेकिन वो चीज में क्या किरदार अदा कर रहे हैं हमें ये भी देखना चाहिए ना। विराट कोहली आज कितने नंबर पे है रैंकिंग में, लेकिन वो हर मैच जितवा रहा है, हर मैच जितवा रहा है। हमारा बाबर आजम, हमने उसे क्या करना है पहले नंबर पे होने का, जो हमारी टीम को ही नहीं फायदा उसका कोई हो रहा। टेलीफोन रखिए, हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया समी, ये कह रहे हैं आप इसका जवाब देना चाहेंगे। यार देखें, बाबर भी मेरा ख्याल वैसे ही हो गया जैसे हमारे बाकी प्लेयर हैं, क्योंकि आप अच्छों के साथ खेलते हैं तो अच्छे होते हैं। मगर बात यह है कि बाबर अकेला कुछ नहीं कर सकता जितनी देर सारी टीम बाकी जो है ठीक सिलेक्शन ना हुई हो। अब मैं ये, मेरा बात यह है कि जब सिलेक्शन होती है ना तो उसमें कैप्टन भी हिस्सा होता है उसका, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रोल उसका भी तो है ना, क्योंकि जवाब तो कैप्टन ने देना होता है। ये जो इन्होंने सवाल किया है, ये इसमें रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना वो कैप्टन भी होता है, क्योंकि आप जब सिलेक्शन करते हैं ना तो आपकी मर्जी के बगैर प्लेयर पिक नहीं किए जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन, हम बार बार कह रहे हैं सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, और उसकी ज़िम्मेदारी बोर्ड के अलावा हमारे कुछ ऐसे लोगों पर भी है जो इसके जिन्होंने सिलेक्ट किया है। तो जितनी देर वो रिश्तेदारी और वो चीज़ें ख़त्म नहीं होएंगी, सहर भाई हम देखें ना, अब मैं आपको बताऊं, एकेडमी में हमारा जो डायरेक्टर है वो एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, उसको रिप्लेस किसकी जगह किया था, मुदस्सर की जगह, जो नीली 70-80 टेस्ट मैच खेला था। जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है वो है जुनेद, जनत वकीर जिया का बेटा, जिसने आधा वनडे खेला था, थ्रो करता है वो बॉल, और उसको खिलाया गया, उसको लगाया हुआ है डोमेस्टिकली। अब जिसको खुद जिसका एक्शन बॉलिंग कोच बॉलिंग, तो बात ये है कि बॉलिंग कोच, वो एक जो फर्स्ट क्लास ही नहीं खेला हुआ, वो बॉलिंग कोच लगा हुआ पाकिस्तान के कैंप में अटेंड कर रहा है। अब पाकिस्तान टीम के साथ कुछ लोग ऐसे गए हुए हैं, पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त टूर कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फील्डिंग कोच या असिस्टेंट कोच गए हैं, जिनका नाम आपने कभी सुना ही नहीं, जो फर्स्ट क्लास तक नहीं खेले हुए। तो जब ऐसे लोग साथ जाएंगे फिर आप क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो एक सवाल उन्होंने पूछा स्काउटिंग का, स्काउटिंग मुझे बताएं कि हम तीन बंदे, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेजता स्काउटिंग के लिए, हम तीनों के अपने बच्चे खेल रहे हैं अंडर 19 में, हम अपने एक टीम असलीम अलग भाई अपने बच्चे को रखते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता ना। देखें, बच्चे को रखता, देखें ये हो ही नहीं सकता, हम टीमें चार सेलेक्ट करके ले आते हैं। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता, आपको भेजा या मुझे या इनको भेजा ही नहीं जा सकता अगर हमारे बच्चे वहां खेल रहे हैं। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इट इज शेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, नेपोटिज्म की बदतरीन मिसाल है। आप बार बार उन लोगों को क्यों लाते हैं जिनके भाई इंटरेस्ट है, जिनके बच्चे खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, फिर वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को ओब्लाइज करते हैं। आपके चीफ सेलेक्टर के बेटे की 25 की एवरेज है, वो फ्लोर की फर्स्ट क्लास टीम में खेल रहा है, मिसबा का बेटा अंडर 19 खेल रहा है, फीज का भतीजा खेल रहा है, ये जितने भी आपके मोइन खान के बेटे खेल रहे हैं सबके सब वो जो बैठे हैं। मोइन खान का बेटा इज गुड, एज अ गुड है, लेकिन उनके रिश्तेदारों को क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगाया हुआ आप लोगों ने? देखें ना कि आपके पास ऐसे प्लेयर नहीं है जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है और वो आप उनको ओब्लाइज करें बोर्ड में, या फिर इनकी एजुकेशन मुझे बताएं, इनकी एजुकेशन क्या है, इस फील्ड में क्या एजुकेशन है? देखें स्पोर्ट्स में साइंस को किस लिए लाया गया, कि आप अपने जो फॉल्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करें और मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करें, आपकी इंजरीज मिनिमाइज होंगी और आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, काम डाउन काम डाउन, वो पीछे रीमा का गाना लगा दो, काम डाउन बेबी काम डाउन, अगर मिल जाए तो प्लीज लगा देना। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? सुहेल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुहेल बताइए, क्या सवाल है? जी मेरा सलीम मलिक साहब से सवाल है जी, के पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो एक वक्त में बहुत मजबूत हुआ करती थी किसी दौर में, तो आज ये हमारी जो फास्ट बॉलर हैं ये इतने नकारा क्यों हो चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने 283 रन आराम से बनवा दिए थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी पहली विकेट भी इन्होंने गिराई थी 259 रन से। तो इसका जरा बता दें, अगर मैं आपको एक मैच याद दिलाऊं, 2007 में जब पाकिस्तान आयरलैंड से आ रहा था तो उस वक्त हमारी टीम ने कोई 132 रन बनाए थे, लेकिन हमारे उस वक्त के फास्ट बॉलर ने उनके साथ आउट कर लिए थे, फिर उनको मैच जीतने दिया था, लेकिन आज हमारे जो बॉलर हैं ये तो हिस्से नहीं लेते किसी में, इस क्या वजह है? चलें जी सर, मेरे भाई गौर से सुनना
उस वक़्त इसलिए बॉलिंग अच्छी होती थी कि उस वक़्त रिवर्स स्विंग जो थी उसको चेक नहीं किया जाता था, पकड़ते नहीं थे। हमारे फास्ट बॉलर जितने भी थे वो नाखून मार मार के बॉल बनाते थे, बॉटल टॉप मारते थे, लंबा लंबा स्विंग होता था, इसलिए हम आउट करते थे। हम मुझे याद है इंग्लैंड में हम टूर कर रहे थे तो हम आखिरी दिन टीम को लंच के बाद, लंच से पहले आधा घंटा पहले डिक्लेयर करते थे। वो उनको भी पता था इंग्लैंड टीम वालों को कि 20 ओवर के बाद हमारे साथ क्या होना है। 20 ओवर गुजरते थे वो 120 रन करते थे, अगले 10 ओवरों में सारी टीम आउट हो जाती थी। तो बात ये है कि हम बॉल बना के बॉलिंग करते थे जितने भी हमारे फास्ट बॉलर गुजरे हैं, इसलिए आप उन मैचों को अगर आप देखें इस वक्त रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा। आपके बॉलर इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि रिवर्स स्विंग उस तरह नहीं होता जिस तरह हम किया करते थे। आज हमें मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि बॉल बॉटल टॉप नहीं लगता, नाखून मार के हम बॉल नहीं बना सकते। बाकी लोगों ने हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें निकाल ली हैं जो करते हैं। शामी को देखें वो रिवर्स स्विंग कर रहा था, हम लोगों ने जाके वहाँ कोचिंगें की लोगों की, उनको जाके पैसे लिए, उनको बताया कि ये किस तरह रिवर्स स्विंग करते हैं, सारी दुनिया को हमने बताया। तो बात ये है कि जब हमने अपनी चीज़ें खुद लोगों को बता दी हैं तो फिर हमारा हाल यही होगा क्योंकि हम रिवर्स स्विंग नहीं करते। जब रिवर्स स्विंग होगा कि हम गलत करते थे जब हम मैच जीतते थे। देखिए बेसिकली हम रिवर्स स्विंग जो करते थे वो नाखून मार के और बॉटल टॉप मार के करते थे, जब ही तो हम घंटे में टीम को आउट कर देते थे। अब वो नहीं हो रहा, तो अब लोगों को रियलाइज करना चाहिए। व्हाट आई एम आस्किंग, क्या ये इलीगल नहीं है बॉल टेंपरिंग? इलीगल इसलिए तो कैमरे 8-8 लगा दी उन्होंने। एक टाइम आया था कि हमारी टीम दो बॉलिंग कर दी, नहीं बॉलिंग कर दी दोनों एंड से। ऑलराइट जी, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं इससे पहले कि गुफ्तगू कहीं और चली जाए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आई जी वंस अगेन वेलकम बैक, डेविड मिलान, जॉस बटलर, क्या करने वाले हैं आज? देखें आज डिसीन, इन्होंने जो हम बार बार कहते थे कि डिसीन अच्छा लिया है, पहले बैटिंग की है और बड़ा स्कोर लगाएं, इसमें कोई शक नहीं कि उनके बैट्समैन भी कुछ प्लेयर उनके हैं दो तीन जो अच्छा खेलते हैं, पर अगर इन्होंने जैसे कल बहुत बड़ा टोटल लगाया था ऑस्ट्रेलिया ने, अगर आज भी ये कामयाब हो जाते हैं, और ये टीम है ऐसी कि ये बड़ा स्कोर कर सकती है, और महल यही सोचते हुए उन्होंने बैटिंग की है कि ताकि प्रेशर में आए ना। अगर श्रीलंका 300 करती है तो आप बड़ी टीम भी अंडर प्रेशर आ जाती है, तो आज मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे ताकि फट्टे पे इतना स्कोर हो कि वो चेजेबल ना हो, चेजेबल ना हो। जॉस बटलर का जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने है, 173 मैचेस, 4910 रन, 162 नॉट आउट, इनका हाईएस्ट स्कोर 25 मर्तबा 50 किए, 11 मर्तबा 100 किए, यू नो वेरी इंप्रेसिव, वेरी वेरी इंप्रेसिव। कुशाल मेंडिस एंड सदीरा, क्या आपको लगता है कि क्या करेंगे ये बैटिंग में श्रीलंका के लिए? देखिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही सीजनल बैट्समैन है और मेंडिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिस तरह सलीम भाई ने बात की है कि इनको मेरा ख्याल है कि 350 प्लस रन करने पड़ेंगे क्योंकि जो फिर इनके लिए उसके बाद मेंडिस की विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये मेंडिस की विकेट लेने में कामयाब हो गए तो फिर ये स्कोर को ईजिली डिफेंड कर सकती है इंग्लैंड की टीम, मगर अगर मेंडिस जिस तरह उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली थी और टोटल काफ़ी ऊपर लेके 345 पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया और जब 434 साउथ अफ्रीका ने किया तो 329 इन्होंने कर दिया उनके खिलाफ, तो अगर इन केस अगर मेंडिस खड़ा हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि 350 भी सेफ नहीं होगा। मेंडिस की विकेट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इंग्लैंड के लिए। कुशाल मेंडिस का स्टैट्स देख लीजिए, 116 मैचेस, 3433 रन, 122 इनकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस है एंड ऑफ कोर्स 26 मर्तबा 50 किए, 3 मर्तबा 100 किए, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी रियली 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 द डिफरेंस। कुशाल मेंडिस, आदिल रशीद एंड मोइन अली स्पिन में इनके साथ हैं, व्हाट डू यू थिंक? देखिए मोइन अली को लाने का फैसला अच्छा है इनका क्योंकि मेरा ख्याल है कि मोइन अली को पहले मैच के बाद ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो इनका एक ही ऐसा प्लेयर है जो कि सब कंटिनेंट पे बॉलिंग भी अच्छी करता है और बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है और कई दफ़ा उसने अपनी बैटिंग से इंपैक्ट डाला और बॉलिंग तो डेफिनेट करता ही है। दूसरा आदिल रशीद, जिस तरह हम बात करते हैं ना उसकी जैम्पा की, एडम जैम्पा की, एडम जैम्पा पहले दो मैचेस में अपना रिदम हासिल नहीं कर सका और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को कास्ट करना पड़ा। जैसे ही वो वापस आया तीन मैचेस में उसने 13 आउट किए, 12 आउट किए, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वो तीनों मैचेस जीते। ये
इंडियन पिचेज ऐसी हैं कि जब तक आपके स्पिनर परफॉर्म नहीं करेंगे आपके लिए मैच जितना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ इनको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि यहाँ पर इनको सिर्फ स्पिनर्स मैच जितवाएंगे, फास्ट बॉलर चाहे आप जितना भी अच्छा खिला लें वो वहाँ पर मैच में इंपैक्ट करिए एक दो विकटें अर्ली ले सकता है मगर मैच में इंपैक्ट क्रिएट स्पिनर ही करेगा। और ये अच्छा फैसला अगर आदर रशीद इनकी लाइन एंड लेंथ अपनी वापस लेता है और एक्यूरेसी से बॉलिंग करता है, अभी चार मैचेस बाकी हैं इनके, तो इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में वापस आ सकती है। असल में सर भाई इसमें पता क्या हो रहा है कि स्पिनर लेग स्पिनर को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, एक तो बाउंड्री बहुत छोटी है, अगर आप अच्छी लाइन पर बॉल नहीं कर रहे ना स्पेशली तो बाउंड्री के बाहर जा रही है वो जरा शॉर्ट ऑफ लेंथ वो बाहर जा। अच्छा जरा पॉइंट टेबल लगा दीजिएगा और साथ साथ एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, आपका नाम सर? बात करूं सर लाहौर से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र जी। कोई सवाल? ये मेरा मलिक साहब से सवाल है कि ये अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान की टीम जीत नहीं सकी, साउथ अफ्रीका को कैसे हराएंगे? मुझे लगता है ये पीछे वाले नंबरों से छठे सातवें नंबर पे आएंगे। चले बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। यार जिस तरह आप परेशान हो ना हम भी हैं यही सोच के क्योंकि अच्छा, देखें यार क्रिकेट है, हम लोग उस दिन मैं यही समझता हूँ कि हमारा दिन नहीं था मगर चूंकि हमें बैक करना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, हमारी टीम में एबिलिटी है, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अगर वो फॉर्म में आते हैं तो अल्लाह करे कि हम जो सोच रहे हैं वो जो आप सोच रहे हैं। अच्छा देखिए मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड वापस आ सकता है, पाकिस्तान वापस आ सकता है गेम के अंदर, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, बट बाय द लुक्स ऑफ इट मुझे नहीं लगता ये जो चार टीमें जो ऊपर की हैं इंडिया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया प्रीटी मच ये आपकी टीम्स हैं जो सेमीफाइनल खेलेंगी, दीज आर द टीम्स जो आपकी सेमीफाइनल को मैं क्वालिफाई करेंगी। इसके अलावा अगर कोई अपसेट हो जाए हेयर एंड देयर तो वो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है पाकिस्तान को अपने तमाम मैचेस जो हैं अब जीतने हैं, ऑस्ट्रेलिया को अपने तमाम मैचेस में से दो मैचेस हारने हैं। और इसके जी सर सहर भाई आपको याद है आप शुरू में कहते थे कि रन रेट पर बात आएगी, मैं आपको हमेशा कहता था हाफ वे जाने दें उसके बाद आपको पिक्चर बड़ी क्लियर आ नजर आएगी। रन रेट पे तो बात आ गई है, बिल्कुल आ गई है अब तो, अगर मगर रन रेट इसकी सूरत हाल है अगर ये हो, बिल्कुल आप देखिए कि हुआ क्या है इस वक्त, ये हुआ है कि हम जी बिल्कुल एक मिनट हम खेल रहे हैं, अगर हम चारों मैचेस जीत भी जाते हैं और हमारा रन रेट कम है, हम अगर किसी के बराबर आके खड़े हो जाते हैं यूर आउट, तो आप तो रन रेट पे तो बात आई, हम हमेशा दुआओं रन रेट और अगर और मगर के फैक्टर में रहते हैं, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपन, आई होप एंड प्रे के वी कैन मेक इट बट विल नो। बड़ी क्लियर पिक्चर कर दिया, एक थ्रू प्रोफेशनल आपने एनालाइज कर दिया कि ये टीमें चाह रहा है यही डिजर्व करती हैं पॉइंट टेबल पर भी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और दूसरी बात मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हम जीत जाएं तो ऐसी बातें मत लिखा करें कि हम दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, और अगर हम हार जाएं तो ये मत कहा करें कि हम किसी काबिल नहीं है, इत्तेदाल के साथ रहें, बी रियलिस्टिक, एकदम से शाहीनों को ऊपर ना पहुंचवा दें और एकदम से उनको बिल्कुल नीचे ना खड़ा कर दें, एंड प्लीज डोंट कंपेयर एनीवन विद एनीवन, हर एक का अपना अपना एक मकाम है, बाबर का अपना एक मकाम है, विराट कोहली का अपना एक मकाम है, ये बड़ा डिमीनिंग सा लगता है अगर आप लोगों को लोगों से कंपेयर करना शुरू कर दें। बाबर के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो विराट कोहली के नहीं हैं, बाबर जिस टीम की तरफ से खेलता है वो विराट कोहली की टीम नहीं है, सो प्लीज डू अंडरस्टैंड थिंग्स आर डिफरेंट। एक ब्रेक है जी 11 बजे तक, तब तक मुझे इजाजत दीजिए और मेरे दोस्तों को इजाजत दे, वी शैल सी यू एट 11।